मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे अच्छी राह दिखाई कलाम के वसीला से और खादम के वसीला से हमने इतनी निजात पाई कि जो हम सोच भी नहीं सकते थे, तो उसकी वजह से हमें खुदावंद ने इतनी बरकत दी। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं, जितनी बार भी करें वो काम है। अभी भी हम जो भी काम कर रहे हैं ये खुदावंद की मर्जी से, हम अपनी मर्जी नहीं, हम खुदावंद के नाम को जवाब देना चाहते हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम खुदावंद की तरफ ध्यान रखें, तवज्जो रखें, अपने ईमान को और से और मजबूत करें, तो हमें हर शहर मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी। जिसकी खुदावंद पर तवक्कुल है वो हर चीज़ उसको मिलती है। और मैं पूरे ईमान और भरोसे के साथ कहता हूँ, जब से हमने अपने उस्ताद की तरफ तवज्जो की है तो हमारा ईमान ज़्यादा बढ़ा है। पास्टर साहब ने हमें तलीम दी, कलाम सिखाया, हम उनके वसीला से हमारी ज़िंदगी में बहुत चेंजिंग आई। खुदावंद ने हमें बहुत बरकत दी है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हम बदी से दूर होकर, बुराई से, नशे पानी से दूर होकर हम अपने खुदावंद की तरफ तवज्जो की है। ये हमारे उस्ताद आशिफ जॉन पास्टर की मेहरबानी है कि उन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया। हम अपने खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हम जो कुछ मांगते हैं वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दे रहा है। खुदावंद के नाम को जलाल है। में आप सब बहन भाइयों को सलाम। मेरी दुआई ये है कि मैं काफ़ी अच्छा से बीमार था, तो खुदा के खादम साहब आशर ने मेरे लिए प्रेयर की और खुदा ने मुझे तंदुरुस्त की। इसी तरह ये दुआई है कि मेरा बेटा आर्यन वो बहुत बीमार हो गया, तो हमने बहुत प्रेयर करवाई, लेकिन बिल्कुल मुकम्मल को सहारा मिली। मतलब आशिक को मैं बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन बताया नहीं था मैंने उनको प्रेस से की जाती। मैंने फिर उनको फोन किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरे बच्चे मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। जब वो आए उन्होंने प्रेस की और उन्होंने पहले ही कह दिया ऐसे खुदा ने कहा तो आप ये बिल्कुल खाएगा भी करेगा भी और सब कुछ ठीक है। और वैसे ही हुआ, तो कोई यूज नहीं आती थी बिल्कुल, और वो उसी रात बिल्कुल कहना कि नहीं खोया खुदा का शुक्र है। तो उसके बाद वो इम्प्रूव करना चाहिए खुदा ने। इसी तरह मेरी ये दुआई है कि मेरे पास कई दफ़ा पैसे नहीं होते, रोजगार पूरे प्रॉपर तरीके से नहीं मिलते, लेकिन मैं पेड़ करवाऊँ रिक्वेस्ट करता हूँ बस रात से खुदा सर मेरे काम के लिए बात है। तो खुदा उनसे शुक्र है कि मुझे काम भी मिलता है और मेरे हालात झगड़ा हुआ था तो मेरे बहन की आज छोटी थी, तो मैं हॉस्पिटल में 15 दिन बाद, तो उन्होंने बड़ा कि आपकी बाबू मैंने पूछी थी तो आपका वो प्लस्तर करवाना पड़ेगा। जब प्लस्तर है 6 हफ्ते का, अगर आप 6 हफ्ते प्लस्तर आप रखेंगे तो आप प्लस्तर करो, वरना तो आपको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी बाकी चेंज हो चुकी है। तो मैं खुदा के बंदे के पास गई और मैंने उनको बोला कि भाई को ये मेरे लिए दुआ कर दो। तो उन्होंने कहा कि किस तरह, मैंने अपनी जो सारी बात बताई तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम दुआ करेंगे जल्दी आपको छुपा हो जाएगी। और मैंने दुआ कराई कि मैंने फ्राइडे को दुआ कराई है, तो संडे को मेरी बाजू में कुछ हरकत की है, मैंने घर बैठे प्लस्तर को गीला किया और मैंने उसको काटा है, तो मैंने बाजू में लाइए जब 6 हफ्ते का प्लस्तर था वो 3 दिन में मुझे शुभाव मिली। मैं खुदा से शुक्र मैं आपसे खुश हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरी यहाँ से मोतिया आ गया था, जिसकी वजह से मेरे पास फाइनेंशली हालात नहीं थे कि हम लोग अफोर्ड कर सकते, और सरकारी हॉस्पिटल में मैं ऑपरेशन कराना नहीं चाहती थी। इसलिए खुदावन ने इतना अच्छा मेरे लिए इंतज़ाम किया कि प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत अच्छे तरीके से मेरा ऑपरेशन हुआ।